नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी एचपी में। तो आज मैं बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा आज एक और रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आज डेट है 30 दिसंबर 2020 तथा ये जो रिज़ल्ट है ये 11 पोस्ट्स के लिए है, जिसका जो पोस्ट कोड है वो है 753 तथा इस पोस्ट का जो नाम है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें जो टोटल पोस्ट थी दोस्तों वो थी 11 तथा ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 10/10/2020 को। तथा दोस्तों, इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो थे 13,376 तथा जो 11,635 एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली एडमिटेड की गई थी HPSSSB हमीरपुर द्वारा, जो कि एग्ज़ाम 10/10/2020 को हुआ था, जिसमें कि टोटल 6,352 कैंडिडेट आउट ऑफ 11,635 से अपीयर हुए थे तथा बाकी जो 5,283 कैंडिडेट हैं ये अब्सेंट रहे थे। तो दोस्तों, 6,352 कैंडिडेट में से जो 11 पोस्ट के लिए टोटल 37 कैंडिडेट यहाँ पे फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो आप जो हैं इनकी रोल नंबर लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये है टोटल 37 कैंडिडेट। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आप इनके रोल नंबर देख सकते हैं तथा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, और जो इनकी 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, ये होगी कंडक्ट कराई जाएगी आपकी 19 जनवरी 2021 को 9:30 बजे सुबह हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन के प्रीमिसेस पे। तो आपको वहाँ पहुँच जाना है 9:30 बजे आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के प्रीमिसिस पे। तो दोस्तों, यही थी आज की नोटिफिकेशन। ऐसे ही नए नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल स्टडी एचपी को सब्सक्राइब करें तथा नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।